गुड इवनिंग फ्रेंड, आज हम बना रहे हैं लौकी। अभी काटेंगे इसको और बनाएंगे, डिफरेंट तरीके से बनाएंगे जो सेहत के लिए अच्छा भी होता है। लोग कुकर में बनाते हैं, हम कढ़ाई में बना के दिखाएंगे। आप सब बने रहे वीडियो में, तब तक हम काटते हैं प्याज टमाटर। अभी देख सकते हो मैंने कढ़ाई रख दिया है गर्म होने के लिए। मैंने प्याज टमाटर काट दिया है, देख सकते हो। ये मैंने लौकी भी धो के रख दिया है। हम आपको अभी तेल डालते हैं, कढ़ाई गर्म हो गया है। इसमें हम तेल डालेंगे, हल्का ही डालते हैं, ज़्यादा तेल खाना नहीं चाहिए। देख सकते हो तेल गरम हो गया। इसमें हम डालते हैं जीरा, हल्का सा जीरा डालते हैं, और इसमें लहसुन डालते हैं। आप डिफरेंट तरीके बना रहे हो। थोड़ा सा लहसुन को ब्राउन होने दो, उसके बाद में प्याज डाल दो, हरी मिर्ची डाल दो, इसको अच्छी तरह से भूनो और ब्राउन होने तक चलाते रहो। सेहत के लिए अच्छा होता है लौकी, पर कोई खाता नहीं है, कोई खाता है कोई नहीं खाता है, पर जैसे मैं बना रही हूँ वैसे सबको पसंद आएंगे। देख सकते हो कैसे हो रहा है उनके। अब देख सकते हो थोड़ा प्याज का कलर चेंज हो गया है, लगभग भुनी गया है, थोड़ा ब्राउन हो गया। हम इसमें आप टमाटर ऐड कर देते हैं, टमाटर को मिला देंगे, मिला देंगे। तो टमाटर पकने के लिए हम डाल देंगे नमक। नमक झटपट बनने वाले लौकी है, ऐसे कुकर में बहुत जल्दी बनती है। इसमें हम ढक्कन ढक देते हैं टमाटर पकने के लिए, ढक्कन हटा के चला देते हैं एक बार। टमाटर गल गया है, इसमें ऐड करते हैं मसाला। देखो लगभग हो गया है, टमाटर गल गया है, तो इसमें हम मसाला ऐड करते हैं। धनिया पाउडर, हल्का सा लाल मिर्ची, हल्का सा हल्दी, नमक मैंने डाल दिया है, बाद में गरम मसाला डालते हैं। थोड़ा इसको भूनती हूँ मसाले को, देख सकते हो। ऐसे खाने में क्या है, मज़ा भी आता है, कुकर में थोड़ा मज़ा नहीं आता है। मैं भी नहीं खाती थी पहले लौकी, पर आप खाने लग गई हैं। देखिए अब इसमें मसाला भुन गया है, हम इसमें ऐड कर देते हैं लौकी जो मैंने धो के रखा है। काट के छोटे छोटे काटना है, ज़्यादा बड़े भी नहीं, मीडियम साइज काटने हैं, देख सकते हो। और इसको मिक्स कर देंगे, कलर इसका कितने सुंदर आ रहे हैं, देखने में प्यारे लग रहे हैं ना, ऐसे खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। आई होप आप लोग को अच्छे लगे, और जिसको अच्छा ना लगे लौकी ऐसे बना के खाएं, सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। अब इसको चला देते हैं, फिर उसके बाद में ढक्कन ढक देते हैं, 10 से 15 मिनट तक पकने देते हैं धीमी आंच में। 10 से 15 मिनट हो गया, देखते हैं, चलाते रहे बीच बीच में, क्योंकि चिपकने की डर होता है ना। इसलिए देख सकते हो बन के तैयार हो गया है हमारी लौकी की सब्जी। देख लो कलर भी कैसा लग रहा है, खाने में भी अच्छा लगता है। अब इसमें हम डाल देते हैं धनिया, कटी हुई धनिया। अब इसको हम चला देते हैं, देख रहे हो कलर में कैसे अच्छा लग रहा है। आप लोग को खाना है तो इसको बंद कर देते हैं। देख सकते हो लौकी की सब्जी तैयार बनके।
अब रोटी के साथ खाओ, किस चीज़ से खाओ तैयार। तब तक के लिए हम डिनर एंजॉय करते हैं। गुड नाइट, बाय बाय।